ऑलराइट गाइस, सो 1998 में गॉडज़िला की एक एनिमेटेड सीरीज आई थी जिसका नाम है गॉडज़िला द सीरीज। ये सीरीज 1998 की मूवी गॉडज़िला की स्टोरी को ही आगे फॉलोअप करती है। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे गॉडज़िला द सीरीज की और देखेंगे कि गॉडज़िला 1998 के बाद में आगे क्या हुआ। तो शुरू करते हैं पहले एपिसोड से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां से 1998 की गॉडज़िला मूवी खत्म हुई थी। गॉडज़िला सभी को चेस कर रहा है और वो ब्रुकलिन ब्रिज में फंस गया है और यहां पर उसे शूट करके मार दिया गया है फाइटर जेट्स की मिसाइलों से। और ऑन्ड्री निक का इंटरव्यू ले रही है। निक इसके बाद में एंथनी हिक के पास में जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन लोगों को वापस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जाना चाहिए और इस बात की श्योरिटी करनी चाहिए कि गॉडज़िला का कोई अंडा बच तो नहीं गया। लेकिन हिक उसे पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में निक सोल्जर्स की एक टीम के साथ में स्टेडियम में पहुंच जाता है और यहां पर ये लोग खोजबीन करने लगते हैं। लेकिन इन्हें गॉडज़िला के किसी भी बेबी या किसी भी अंडे के नामोनिशान नहीं दिखते। निक सोल्जर्स को इस एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन इनके इक्विपमेंट्स यहाँ नहीं चल रहे होते। तो वो अपने लेबोरेटरियन रैंडी को फोन लगाता है जो कि इनके स्कैनर्स को वापस वर्किंग कंडीशन में ला देता है, जिसमें इन्हें एक सिग्नल मिलता है और ये पास के ही सीवर में जाकर देखते हैं। यहाँ पर ऊपर से मलबा गिरने के कारण निक सोल्जर्स के ग्रुप से सेपरेट हो जाता है। जैसे ही निक की आंखें खुलती है तो वो एक स्ट्रेंज फ्लूइड अपने आसपास देखता है, लेकिन इसके पहले निक को समझ पाता एक एग उसके सामने हैच हो जाता है और इसमें से एक बेबी गॉडज़िला बाहर निकल कर आता है। निक इससे डर जाता है, लेकिन ये छोटा गॉडज़िला निक के पास में आता है और उसे चाटने लगता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग से शॉर्ट होने के कारण वो वहां से डर कर भाग जाता है और निक भी वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद में मिलिट्री निक के वर्क स्पेस में आती है। यहाँ पर डॉक्टर एलसी और मैंडन भी निक के साथ में काम करते हैं और मिलिट्री कहती है कि वो उनकी इस जगह को शट डाउन कर रहे हैं। निक उनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री कहती है कि अब सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है, इसलिए उन्हें इन लोगों की जरूरत नहीं, और मिलिट्री के लोग वहां से चले जाते हैं। निक अपने टीममेट से कहता है कि उन्हें इस नए पैदा हुए गॉडज़िला को ढूंढना होगा और सभी इसकी बात पर एग्री हो जाते हैं। यहां दूसरी ओर जमैका में एक अनप्रोफेशनल टूर गाइड कुछ लोगों को यहाँ पर गॉडज़िला के फुटप्रिंट्स दिखा रहा है। ये फुटप्रिंट्स मारे गए गॉडज़िला के हैं और उसी बीच पर एक टार बहता हुआ आने लगता है और एक मॉन्स्टर वहां के लोगों पर अटैक करके उन्हें पानी के अंदर खींच लेता है। अब निक और उसके लोग लेबोरेटरी में प्लान बनाने लगे हैं। निक कहता है कि गॉडज़िला इतनी दूर से ट्रेवल करके मैनहट्टन तक आया तो उसका सन भी यहीं कहीं होगा, और गॉडज़िला को पकड़ने का प्लान निक बनाने लगता है कि वो गॉडज़िला को ललचाकर ट्रैप तक लाएंगे और उसे पकड़ लेंगे, फिर उस पर स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसका आखिर करना क्या है। डॉक्टर क्रेवन के रोबोट की डिलीवरी भी यहां पर हो जाती है और वो सभी को बताता है कि ये उसका IR रोबोट नीजल है। रैंडी सभी को बताता है कि एक स्ट्रेंज रिपोर्ट्स जो कि जमैका से आ रही है और ये लोग सोचते हैं कि शायद ये गॉडज़िला का ही साइन है और वहीं पर गॉडज़िला है। रैंडी और कार्वन अब एक बोट में बैठकर पानी के पास में चले जाते हैं और वहां पर ये अपने डिवाइस से गॉडज़िला जैसी आवाज प्ले करते हैं और ये सोचते हैं कि गॉडज़िला वहां पर इस आवाज को सुनकर आ जाएगा, और गॉडज़िला वहां पर आ जाता है जिसे देखकर इन दोनों को भागना पड़ता है और गॉडज़िला वहां पर रखी मछलियों को खाने लगता है। ये ट्रैप को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ट्रैप गॉडज़िला के हिसाब से बहुत छोटा पड़ जाता है। गॉडज़िला ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर देता है और क्रेवन नेजल को आगे भेजता है ताकि वो गॉडज़िला को डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन गॉडज़िला उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडज़िला यहाँ पर निक के सामने आ जाता है और उसे अपने हाथों से पकड़ कर उठा लेता है, लेकिन वो निक को चाटने लगता है जिससे निक को समझ में आता है कि गॉडज़िला ने उसे पहचान लिया और वो वापस निक को जमीन पर रख देता है। निक गॉडज़िला को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि बाकी के लोग सेफ जगह पर पहुंच जाए। इसके बाद में निक भी अंदर आ जाता है और निक सभी से कहता है कि वो अब गॉडज़िला की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि गॉडज़िला शायद उन्हें हार्म नहीं करेगा, और गॉडज़िला बाहर ही बैठ जाता है। और इसके बाद में ये सभी लोग मिलकर गॉडज़िला को फीड करने लगते हैं और गॉडज़िला पर स्टडी करने लगते हैं।
वहीं जमैका में हिक्स को कोई फोन करके बता देता है कि गॉडज़िला की लोकेशन क्या है। यहाँ पर आंड्रे निक को ढूंढते हुए आ जाती है, उसके साथ में उसका कैमरामैन भी होता है। जब ये निक से बात कर रही होती है, इसी टाइम पर गॉडज़िला उनके पीछे आ जाता है, लेकिन ये लोग उसे अपनी बातों में भटका देते हैं, जिससे वो गॉडज़िला को नहीं देख पाती। यहाँ दूसरी ओर जमैका में गायब हुए लोगों की खोजबीन जारी है और ये सब यही समझ रहे हैं कि गॉडज़िला ने इन सबको मार डाला। और एक बोट यहाँ पर लोगों को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन यहाँ पर भी वही मॉन्स्टर इन पर भी अटैक कर देता है। रैंडी इस बात की जानकारी निक को देता है और निक डिसाइड करता है कि वो लोग जमैका जाएंगे और इसकी खोजबीन करेंगे। वहीं रात में जब ये लोग अटेंशन पे नहीं कर रहे होते हैं, तब ऑड्री और उसका कैमरामैन विक्टर चुपके से यहाँ घुस जाते हैं और डिस्कवर करने लगते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। और वो एक्सीडेंटली स्लीपिंग गॉडज़िला को टच कर देते हैं और जिससे वो जाग जाता है और इन पर गुस्सा हो जाता है। निक वहां पहुंच जाता है और वो गॉडज़िला को पीछे हटने के लिए कहता है। ऑड्री उससे कहती है कि उसने स्टोरी ऑफ द सेंचुरी को ऐसे छुपा के रखा है, लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता। उसी समय पर मिलिट्री भी वहां पर आ जाती है और उस जगह को सीज कर देती है और वो तैयारी करने लगते हैं इस जूनियर गॉडज़िला को डिस्ट्रॉय करने की। निक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हिक्स उसे पीछे हटा देता है और वो अपने जेट से मिसाइलें गॉडज़िला के ऊपर चला देते हैं, जिससे एक ब्लास्ट होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था पहला एपिसोड गॉडज़िला द सीरीज का, जिसमें हमने गॉडज़िला 1998 की कहानी को ही आगे बढ़ते हुए देखा और गॉडज़िला जूनियर की भी एंट्री होते हुए देखी। बेसिकली तो इस गॉडज़िला को जिला नाम से जाना जाता है, लेकिन इस सीरीज में इसे गॉडज़िला ही बताया गया है और ये गॉडज़िला जिला 2004 की फाइनल वॉर मूवी के बाद से बना था। उसके पहले ये गॉडज़िला भी गॉडज़िला ही था, तो हम इसे गॉडज़िला कहकर ही बुलाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ये भी बताएं कि इसके आगे के एपिसोड भी क्या आप देखना पसंद करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।